क्या स्वैग समझ रहे हो, एटीट्यूड देख रहे हो भाई, इस तरफ एक और पीछे की तरफ एक। इस हुडी को धोने के लिए 175 रुपया बोला था। आई थिंक आप सही जवाब दे दोगे। आपके हिसाब से एक बैचलर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पर जॉब नहीं है, नहीं तो बस अच्छा खाना नहीं है क्योंकि वो बना नहीं पाता है, नहीं उसके बाद पैसा नहीं है, नहीं वो प्रॉब्लम है लेकिन बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसे गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं मेट नहीं है, नहीं कपड़ा धोना, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि भाई को अच्छा दिखना है कि नहीं, मतलब टीप एंड टॉप। लेकिन जो कपड़ा भाई ने पहनता है उसको धोना इज द बिग डील। आपको पता है मैंने यहाँ शिफ्ट कब किया? और शिफ्ट होके जो पहला काम मैंने किया, मैं इस लोकेशन के आसपास जो लॉन्ड्री है वो उसका जुगाड़। मैं कोई अमीर ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं हर बार अपना कपड़ा मैं लॉन्ड्री में दूंगा। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है भाई साहब, रीज़न है कि मैं 15 दिन के लिए हॉस्टल से निकला है। अगर आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखो आपको पता है, तो मैं जितना सारा मेरा कपड़ा था, विंटर का कपड़ा आपको ज़्यादा भारी है और धोने में थोड़ा फटता है क्योंकि भाई साहब उसमें सर्दी में हम लोग क्या पहनते हैं, जैकेट्स, उसका जितना भी भारी भरकम वाला कपड़ा हुआ हम लोग धोते हैं, और भाई साहब वो धोने में सबसे ज़्यादा वाट लगता है। तो मेरा प्लान क्या था कि मैं हॉस्टल जाऊँगा मेरा जितना सर्दी का कपड़ा, क्योंकि सर्दी है भाई साहब, मैं घर से कोई जैकेट नहीं लाया, पापा का एक जैकेट पहन के आ गया, तो मैं हॉस्टल से सारा कपड़ा ला के धोऊंगा। तो एक साथ मैं इतना कपड़ा मैं धो नहीं पाऊंगा। मैं सोचा कि एक बार मतलब जहाँ पे लॉन्ड्री है वहाँ से धुलवा लेता हूँ, उसके बाद से मैं खुद धो लूँगा, क्योंकि इसके बाद एक दो कपड़ा करके गंदा होगा। ये तो एक साथ मैं लाऊँगा, बहुत दिन से मतलब हॉस्टल की लॉकर में पड़ा है तो वह सब मकड़ी वकड़ी, उसके बाद बहुत गंदा भी स्मेल कर रहा था। ये मेरा था प्लान। तो मैं प्लान वाइज हॉस्टल से कपड़ा ले आया, मस्त मैं और अनिर्बान जाके हॉस्टल से कपड़ा ले आया, बहुत सारा कपड़ा। उम्मीद था कि मैं आके लॉन्ड्री में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई साहब उसी रात को मैं लॉन्ड्री में गया पूछने क्या वगैरह प्राइस वगैरह रखना है। भाई साहब वो लोग बोल रहे हैं कि जींस का पैंट 50 रुपया, हुडी 150 रुपया, उसके बाद जितना भी और अगर हुडी सिर्फ 150 रुपया, और आपका भारी जैकेट है उसका 175 रुपया, उसके बाद आपका मतलब और भी टी शर्ट है तो उसका 30 रुपया, उसके बाद 2 मिनट के लिए मान गया ठीक है जितना भारी कपड़ा है वो आपको दे दूंगा धोने के लिए, और जितना जब हल्का कपड़ा है मैं खुद धो लूँगा, समझ रहे हो, मिडिल क्लास घर से हो, मेरे को आता है कपड़ा धोना, ठीक है भाई। प्रॉब्लम ये भी नहीं था, प्रॉब्लम पैसा की भी नहीं है, महंगा बोल रहा है ठीक है महंगा, आपको भी लगा ना वो ओवर प्राइस्ड है, वो महंगा मेरे को भी लगा, लेकिन बात वो नहीं है। तो मैंने भाई साहब से पूछा डिलीवरी कब मिलेगा, कब आप धोके देंगे? बोलता है कि भैया आप 8 दिन पकड़ लो, 8वां दिन आके एक बार पूछ जाना हुआ कि नहीं, शायद 1-2 दिन लेट होगा, लेकिन मैं हम लोग यूजुअली 8 दिन में डिलीवरी दे देते हैं। भाई का स्वैग समझ रहे हो, एटीट्यूड देख रहे हो भैया, लॉन्ड्री वाले भाई का, मेरा कहाँ से। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं खुद धो लूँगा, खुद धो लूँगा भाई साहब, आपका जो स्वैग है मेरे को संभाला नहीं जा रहा है। तो एक दुकान की कहानी है भैया, दूसरा दुकान में भी एकदम सेम था, प्राइस इधर उधर हुआ लेकिन डिलीवरी जो था उतना ही था। ऐसा नहीं कि भाई ने एक ही दुकान में गया और गिव अप कर लिया, नहीं 3 दुकान, इस तरफ एक और पीछे की तरफ एक। 175 रुपया लगेंगे सिर्फ व्हाइट जो हुडी है उसको धोने में, प्राइस कितना है 599, ऊपर से 8 दिन बाद डिलीवरी। भाई साहब मम्मी कहती है कि अगर आप गर्म पानी से कपड़ा धो रहे हो, ज़्यादा गर्म नहीं एकदम थोड़ा, तो भाई साहब आपका जो मेहनत है वो आधा हो जाता है, आपको उतना आपको रगड़ रगड़ के काचना नहीं पड़ता। भैया आज धुलाई का डेट हुआ है, पहला दिन में वो सब कपड़ा मैंने धोया जिससे कलर निकलता था, ठीक है, और आज का जो डेट है वो सिर्फ व्हाइट व्हाइट। और इस हुडी को धोने के लिए 175 रुपया बोला था, तो 175 रुपया बचा लेते हैं, आफ्टर ऑल आई एम मिडिल क्लास। भाई साहब तो गर्म हुआ ही नहीं, शायद मैंने ज़्यादा पानी ले लिया। अटेम्प्ट नंबर 2 ऑफ डूइंग गर्म पानी, अब सही में गर्म हुआ। सर्फ सर्फ घोलने के लिए, लाइट बार फॉर एक्स्ट्रा क्लीन, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सनलाइट, सनलाइट प्लीज स्पॉन्सर। अभी
10 मिनट का वॉल्टिंग, उसके बाद मस्त धो लेंगे। कुछ मिडिल क्लास मैन और लॉन्ड्री मैन का कहानी। तो आपको क्या करना है ना, आपको कहानी अगर किसी और को भी पहुंचाना है तो आपको क्या करना रहता है, आपको लाइक करना रहता है। लाइक करने से यूट्यूब कहानी और फैलाता है। आपको बताया था ना मैं, अरे आप बहुत टैलेंटेड हो, आप कर दोगे लाइक, मेरे को पता है। तो यही कुछ था कहानी, आई होप आपको कहानी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक। अगर आपको और कहानी ऐसा चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्दी चाहिए आपको अपलोड करते पता चले बेल आइकन दबा दीजिएगा। उधर सेट ड्रॉ।